नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। अंधाऊ में स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र पर मेंटेनेंस का कार्य किया गया। इसकी वजह से सुबह 11 बजे इस उपकेंद्र से निकलने वाले सभी फीडरों की आपूर्ति व 132 केवी कुंडेसर से निकलने वाले सभी फीडरों की आपूर्ति बाधित रही। प्रकाशनगर, रौजा, बिरनो, हंसराजपुर, महाराजगंज, लोटन इमली, कोट, अंधाऊ, पारा, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद, कुंडेसर, करीमुद्दीनपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए 15 अगस्त के मौके पर सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने अपने महाराजगंज स्थित आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण ही आज हम आजाद हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वितीय पुण्यतिथि पर जिला कार्यालय छावनी लाइन पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला महामंत्री प्रवीण सिंह ने कहा कि अटल जी भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्टतम परंपराओं के प्रेरणा पुंज थे। इस मौके पर अनिल यादव, राजन प्रजापति, सतीश राय, शशांक शेखर राय, रामेश्वर तिवारी, पीयूष ओझा, राजेश तिवारी, आमोद श्रीवास्तव, सुनील यादव, अशोक मौर्य आदि उपस्थित थे। शनिवार को मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सुल्तानपुर मां गंगा के तट पर स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख मित्रसेन प्रधान अंत्येष्टि स्थल पर डोम राजा आशिक डोम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जीवन में पहली बार किसी समारोह में इन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका मिला था। नगर के गोरा बाजार में स्थित पुलिस चौकी पर स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने झंडारोपण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रवीण यादव ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाने की अपील भी की। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।